फुटपाथ व्यापारी वेलफेयर एसोसिएशन ने ईदगाह रोड पर बुधवार को लगने वाले साप्ताहिक बाजार को पुनः उसी स्थान पर लगाए जाने की मांग उठाई है। अपनी मांग को लेकर फल पटरी दुकानदार बुधवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे और नगर मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन पेश किया, जिसमें कहा गया है कि ईदगाह पर वो वर्षों से फल लगाते आए हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने कोविड-19 की गाइडलाइन का पूरी तरह पालन किया और पुलिस प्रशासन द्वारा जो भी उन्हें निर्देश दिए गए उसका भी उन्होंने पालन किया। लेकिन अब जबकि बाजार पूरी तरह खुल चुके हैं और साप्ताहिक बाजार भी लग रहे हैं, किंतु पुलिस द्वारा ईदगाह पर साप्ताहिक बाजार नहीं लगने दिया जा रहा है, जिसके कारण उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। नगर मजिस्ट्रेट को ज्ञापन पेश करने के बाद सिटी चैनल संवाददाता से बात करते हुए फल संचालक मोहम्मद शमीम ने बताया, गल थाना गल से इससे वहाँ पर साप्ताहिक बाजार लगते थे 30 साल पहले, और लॉकडाउन को हमने पालन करते हुए कम से कम 7 महीने से हम घर पे बैठे हैं। नहीं, हमारे पास अब कुछ नहीं बचा खाने पीने के लिए, जो हमने लॉकडाउन का बहुत अच्छे से तरीके से पालन किया और जैसे सरकार ने कराया वैसे ही किया, और जब हम अब आज घर से निकले हैं फल फुटपाथ पर फल लगाने के लिए, उन्होंने मना कर दिया, हम नहीं लगने देंगे। किसने मना किया? थाना गल से ही। क्या मांग करना चाहते हैं? वो लिखित में मांग रहे हैं, बोले हमें डीएम साहब से परमिशन ला के दे दो, आज की हमारे पास पहले की भी है जो लॉकडाउन पे दी थी साप्ताहिक बाजार लगने की। आज आप डीएम साहब के पास आए थे, आपने ज्ञापन दिया, ज्ञापन में आपने क्या मांग की? हमने ये मांग की हमारे हमें आदेश मिला है तुरंत, जो ऐसे हम पहले लगते थे, हम 7 महीने के बेरोजगार हैं, हमारे पास कोई रोजगार नहीं है कहीं भी, हम क्या खिलाएं बच्चों को? अब हम तो अपने काम पर आए हैं लॉकडाउन के बाद में, उसके बाद में भी लगने नहीं दे रहे। इस मौके पर इलियास मोहम्मद शरीफ, जिशान मोहम्मद अजीम, पंडित मुकेश कुमार, किशोर कुमार, गुलशन राम कुमार, मतलूब अली, शमसुद्दीन, जाकिर हुसैन एवं मोहम्मद सलीम सहित अनेक फल पटरी संचालक मौजूद रहे।